नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। देश भर में बदी उपर नेकी विजेत का त्यौहार दशहरा पूरे उत्साह नाल मनाया गया। नवी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण कुंभकर्ण ते मेघनाथ के पुतलिया लाई अग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुसार बुनियादी ढांचे की मजबूती नाल भारत बनेगा दुनिया का सब तो वध सुरक्षित ते मजबूत देश। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भलके केंद्रीय खपतकार मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी नाल करनगे मुलाकात। आड़तियां ते चौल मिल मालकां दीआं समस्यावां बारे करनगे चर्चा। पंजाब चोण कमिशन ने श्री मुक्तसर साहिब जिले दीआं 24 पंचायतां दीआं चोणां नामजदगी पत्रां विच बेनियमियां कारण कीतियां रद्द। पंजाब में चलाए जा रहे नशे विरुद्ध अभियान में पुलिस को मिली वड्डी कामयाबी। अमृतसर में 10 किलो तो वध हैरोइन समेत एक काबू। भारत ने तीजा ते आखिरी T20 मैच भी बंगलादेश को 133 दौड़ा नाल हरा के जितया। 3 T20 मैचों की लड़ी की क्लीन स्वीप। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर में दशहरे का त्यौहार बड़े उत्साह और आसा नाल मनाया गया। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में लाल किले के मैदान में मनाए गए दशहरे के जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके उन्होंने रावण, उन्होंने भरा कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलिया अग लगाई। दशहरे का त्यौहार नेकी की बदी उपर जित दर्शाता है। हज़ारों की गिनती लोगों ने श्री धार्मिक लीला कमेटी वालों आयोजित किए गए दशहरा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों तिलक भी लगाया और कहा कि यह त्यौहार देशवासियों लिए खुशहाली लेके आवे। आपके आशीर्वाद से, आपके यहाँ पे आने से, जय सिया राम, जय सिया राम। अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री दुर्गियाना मंदिर में मनाए गए दशहरे में शिरकत की। उन्होंने इस मौके कहा कि यह त्यौहार नेकी की बदी उपर जित दर्शाता है और सानू सारियां एकजुट होकर समाजिक बुराइयां अते नशियां खत्म करने लिए अगे आना चाहिए है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार सानू भाईचारक सांझ बरकरार रखने का उपदेश देने के नाल नाल साडे अमीर सभ्याचारक विरसे की याद भी दवाउंदा है। जलंधर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मनाए गए दशहरा उत्सव में कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने हिस्सा लिया। इस मौके दशहरे का त्यौहार 30 तो वध थावां ते मनाया गया। श्री देवी तलाब मंदिर, बल्टन पार्क और साई दास स्कूल के मैदानों में लगाए गए रावण, कुंभकर्ण ते मेघनाथ के पुतलिया अग लगाई गई। इस मौके लोगों को नेकी ते चलन ते ईमानदारी नाल अपनी जिंदगी जीवन की प्रेरणा दी गई। इस दौरान खरड़ विच विधायक अनमोल गगन मान ने लोगों चंगे कम्मां दी रवायत नूं कायम रखने की गल कही अते दस्या कि रावण, मेघनाथ ते कुंभकर्ण दे पुतलिया नूं आग लगाउण दी दहाकियां तों चली आ रही परंपरा बुराइयां ते अच्छाइयां दी जित नूं दर्शाउंदी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम विच बने रणनीतिक तौर ते महत्वपूर्ण कुपूशेरा थाग सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान पछमी बंगाल और नागालैंड समेत 11 सूबे के कुल 75 बुनियादी ढांचा प्रोजैक्टा का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम राही किया। इन्हां प्रोजैक्टा विच 22 सड़कां ते 51 पुल शामिल ने। रक्षा मंत्री ने पछमी बंगाल के सुकना विखे त्रिशक्ति पोर के हैडक्वाटर तो इन्हां योजनावां का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके कहा कि यह प्रोजैक्ट लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा से तैनात सुरक्षा बलों की आवाजाई के नाल नाल उन्हां नूं राशन अते पैदल सेना नूं उन्हां दीआं यूनिटां विच आसानी नाल पहुँचाउण विच मदद करनगे। यह प्रोजैक्ट सीमा सुरक्षा संगठन वल्लों बनाए गए ने। उन्हां कहा कि भारत विश्व का सब तो वध सुरक्षित अते मजबूत देश बनेगा। भारत ने बंगलादेश नूं त्यौहारां दौरान घट गिनती भाईचारिआं दी सुरक्षा यकीनी बनाउण लई आख्या है। एक बयान विच भारतीय विदेश मंत्रालय ने ढाका दे
तंती बाजार विच पूजा मंडप ते होए हमले अते सतखीरा विच यशेश्वरी काली मंदिर विच होई चोरी ते गंभीर चिंता प्रगटाई है। मंत्रालय ने कहा है कि खास कर त्योहारां दे समय दौरान पूजा स्थानां दी सुरक्षा नूं कड़ा कीता जावे। भारत ने बंगलादेश विच धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाउण दे मामलियां नूं निंदनयोग करार दिता है। विदेश मंत्रालय वल्लों जारी कीते गए एक बयान विच कहा गया है कि इह घटनावां मंदरां अते धार्मिक अस्थानां नूं निशाना बनाउण दी एक योजनाबद्ध साजिश दा संकेत दिंदी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भलके केंद्रीय खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी नाल सूबे दे आढ़तियां ते चौल मिलां दे मालकां दीआं समस्यावां नूं उठाउणगे। चंडीगढ़ तो जारी बयान विच मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालकां अते आढ़तियां दीआं मंगां जायज़ ने अते केंद्र सरकार नूं हमदर्दी नाल इन्हां ते विचार करना चाहीदा है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नूं टैलीफोन ते स्थिति दी गंभीरता बारे जाणू करवाया गया अते इस मामले ते विस्तार विच चर्चा लई समां मंगिया गया सी। इसे दौरान मुख्यमंत्री ने एक बैठक दौरान मंडियां विच चल रही झोने की खरीद अते चुकाई का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों नूं मंडियां विचों झोने के एक एक दाने की खरीद अते चुकाई की हदायत की। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि हुण तक सूबे दीआं मंडियां विच 4,30,000 मीट्रिक टन झोना आ चुका है अते किसानां दी अदायगी लई 573,55,00,000 रुपए जारी किए जा चुके ने। पंजाब दीआं मंडियां विच झोने की खरीद अते चुकाई दे मामले विच आ रही समस्यावां दे हल नूं लैके किसानां ने अज सूबे भर विच सड़की अते रेल मार्ग जाम करने शुरू कर दिते ने। किसान वड्डी गिणती विच सड़कां अते रेलवे स्टेशनां ते पहुँचने शुरू हो गए ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले दिनी झोने की खरीद ते चुकाई विच पै रहे विघनां नूं देखदिआं सरकार तों मंग कीती सी कि झोने की सरकारी खरीद संबंधी उन्हां नूं किसे तरह की समस्या ना आउण दित्ती जावे। किसानां दे अज दुपहर 12 बजे तों दोपहर 3 बजे तक सड़कां अते रेलवे लाइनां जाम करन दे फैसले नूं चौल मिल मालकां अते आढ़तियां वल्लों भी हमायत दित्ती गई है। भारतीय किसान यूनियन उगराहां अते होरनां किसान जथेबंदियां समेत किसानां दीआं जायज़ मंगां नूं फौरी तौर ते पूरा करन दी मंग कीती जा रही है। पंजाब विधानसभा दे विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब सरकार वल्लों नियुक्त कीते गए दो वित्ती सलाहकारां दी नियुक्ति दी सख्त आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब मुख्यमंत्री दे दफ्तर दा कंट्रोल अपने हत्थां विच लै लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब दा पैसा हुण आम आदमी पार्टी दी दिल्ली सियासत लई इस्तेमाल किया जाएगा अते पंजाब दे लोक दिल्ली विधानसभा दीआं आउंदीआं चोणां दी कीमत अदा करनगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब दे वसीलियां नूं लुट रही है। हलका भुलात तों कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी दो नवें वित्ती सलाहकारां दी नियुक्ति ते सरकार नूं लंबे हत्थी लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वल्लों पंजाब दे खजाने नूं ढा लगाउण दी नीति कारण सूबे दा कर्जा पिछले 2.5 सालां दौरान 3 लाख करोड़ तों 4 लाख करोड़ हो गया है। पंजाब राज चोण कमिशन ने श्री मुक्तसर साहिब जिले दीआं 24 पंचायतों दीआं चोणां रद्द कर दित्तियां। ये चोणां बेनियमियां कारण रद्द कीतियां गईयां जिस दे नतीजे वजों इन्हां पंचायतों दीआं चोणां 15 अक्तूबर नूं सूबे दीआं बाकी पंचायत चोणां नाल नहीं होणगीआं। ये चोणां लड़ रहे उम्मीदवारां ने इल्जाम लगाया कि उन्हां ने नामजदगी पत्र सही पाए जाण दे बावजूद गलत ढंग नाल खारिज कीते गए। ज़िक्रयोग है कि पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने तकरीबन 250 पंचायतों की चोण ते पहलां तों ही रोक लगाई हुई है। पंजाब विच ग्राम पंचायतों चोणां वाले दिन 15 अक्तूबर नूं ड्राई डे ऐलाना गया है। इस दिन शराब अते होरना नशीले पदार्थों की विक्री ते पाबंदी रहेगी। पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत वख-वख ज़िलों के मैजिस्ट्रेटों वल्लों हुक्म जारी किए गए हैं। इन्हां हुक्मां तहत ड्राई डे वाले दिन किसी होटल अहाते दुकान जां ठेके ते शराब जां कोई नशीला पदार्थ वेचिया जां वंडिया नहीं जाएगा। इन्हां हुक्मां विच स्पष्ट किया गया है कि शराब रखण दा लाइसेंस हासिल कर चुके क्लब सितारा होटल अते रेस्टोरेंटां नूं भी छोट नहीं दित्ती गई। आबकारी कानून तहत लाइसेंस तों बिना परमिटां ते शराब भंडारण ते पाबंदियां सख्ती नाल लागू होणगीआं। इन्हां हुक्मां नूं आबकारी अधिकारियों वल्लों अमल विच लिआंदा जाएगा। चोणां दे मद्देनज़र 15 अक्तूबर नूं कमाई छुट्टी दा ऐलान कीता गया है। हरेक वोटर वल्लों अपने वोट दे हक दा इस्तेमाल यकीनी बनाउण दे मंतव नाल सरकारी अते गैर सरकारी दफ्तरां बैंकां जां होरनां अदारियां विच वोटां वाले दिन कमाई छुट्टी दा ऐलान कीता गया है। इस छुट्टी दे बदले कर्मचारी दी तनखाह विचों कोई भी कटौती नहीं कीती जाएगी। पंजाब विच मनाए जा रहे त्यौहारों के जश्न अते 15 अक्तूबर होने वाली पंचायती चोणों के मद्देनज़र पुलिस ने सूबे भर में रैड अलर्ट जारी किया।
कर दिता है। पंजाब पुलिस की कानून व्यवस्था बारे वधीक डायरैक्टर जनरल अर्पित शुक्ला ने जलंधर में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लैन मगरों कहा कि सूबे भर में त्यौहारों और आउंदियां पंचायती चोणों के मद्देनज़र सूबे भर में सुरक्षा वधा दी गई है। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी अंसरां ते सख्त नज़र रखने लई 600 तो वध हाईटैक नाके लगाए गए हैं। पुलिस कर्मियों नू सारे ही दोपहिया वाहनों और शक्की वाहनों की व्यापक चैकिंग करन अते शक्की व्यक्तियों विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई करन दे हुकम दिते गए ने। उन्होंने दस्या कि सूबे दियां सारियां अंतरराज्जी अते अंतर जिला सरहदां नू सील कर दिता गया है। उन्होंने पुलिस थाने के मुखियों और गजटेड अफसरों नू त्यौहारों के सीजन की समाप्ति तक फील्ड में ही रहण की हदायत की। पंजाब पुलिस ने सूबे में नशियां नू खत्म करन दी अपनी मुहिम में उस वेले वड्डी कामयाबी हासिल की जदों काउंटर इंटैलीजेंस ते अमृतसर पुलिस ने सांझी कार्रवाई दौरान एक वाहन विचों 10 किलो तो वध हैरोइन बरामद की। पंजाब पुलिस के मुखी गौरव यादव ने दस्या कि मुलजम की पछाण सुखराज सिंह वजों हुई है। उन्होंने दस्या कि वह अपने एक होर साथी नाल हैरोइन की सप्लाई देन जा रहा सी जदों पुलिस ने उन्हां दी गड्डी रोक के तलाशी ली अते ए नशीला पदार्थ बरामद होया। उन्होंने दस्या कि सुखराज सिंह नू मौके ते ही फड़ लिया गया जबकि उसका साथी भजन विच कामयाब हो गया। अंतरराष्ट्रीय मंडी विच इस हैरोइन की कीमत 72 करोड़ तो वध दसी जाती है। भारत ने हैदराबाद विच खेडे गए 3 T20 मैचों की लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच भी बंगलादेश नू 133 दौड़ों के फर्क नाल हरा के जित लिया है। इस दे नाल ही भारत ने 3 मैचों की यह लड़ी 3-0 नाल क्लीन स्वीप करके अपनी झोली पा ली। संजू सैमसन ने इस मैच में अपनी पूरी ताक जमाई और 40 गेंदों में ही अपना सैकड़ा पूरा करके क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने टॉस जीतने उपरंत पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 6 विकटों के नुकसान से 297 दौड़ा बनाईया। भारत वालों जित लई दिए गए 298 दौड़ों के टीचे का पीछा करदिया बंगलादेश की टीम 7 विकटों से निर्धारित 20 ओवर 164 दौड़ा ही बना सकी। भारत ने इस मैच में T20 क्रिकेट के इतिहास का सब तो वड्डा स्कोर बनाया। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबर एक बार फिर तो देश भर में बदी उपर नेकी की जित का त्यौहार दशहरा पूरे उत्साह नाल मनाया गया। नवी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण कुंभकर्ण से मेघनाथ के पुतलियां नू लाई अग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुसार बुनियादी ढांचे की मजबूती नाल भारत बनेगा दुनिया का सब तो वध सुरक्षा ते मजबूत देश। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भलके केंद्रीय खपतकार मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी नाल करनगे मुलाकात। आढ़तियां ते चौल मिल मालकां दीआं समस्यावां बारे करनगे चर्चा। पंजाब चोण कमिशन ने श्री मुक्तसर साहिब जिले दीआं 24 पंचायतां दीआं चोणां नामजदगी पत्रां विच बेनियमियां कारण कीतियां रद्द। पंजाब में चलाए जा रहे नशियां विरुद्ध अभियान में पुलिस को मिली वड्डी कामयाबी। अमृतसर में 10 किलो तो वध हैरोइन समेत एक काबू। भारत ने तीजा ते आखिरी T20 मैच भी बंगलादेश नू 133 दौड़ा नाल हरा के जितया। T20 मैचों की लड़ी की क्लीन स्वीप। तो इस खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दियो, नमस्कार।